चिकन लेग्स हैं आपके। हाँ कोई बात नहीं भाई, सारी कमियां मेरे में, सबसे बुरा आदमी हूँ मैं। संग्राम प्लस जो फर्स्ट होता है उससे चार गुना बड़ा कॉम्पिटिशन हो जाएगा। हेलो दोस्तों, अमित पंगाल लाइव में किस पे गुस्सा करते हैं उसका कंप्लीट वीडियो लेके आज को प्लस हम देखेंगे संग्राम चौगले ने लाइव आके क्या क्या बातें करी। तो सबसे पहले हमारा जो अपडेट आ रहा है वो आ रहा है हमारे राहुल फिटनेस की तरफ से। दोस्तों राहुल फिटनेस भाई ने बम्बई प्रो शो खेलने के बाद अपनी करंट फिजिक हमारे साथ शेयर की है। अगर इनकी हम करंट कंडीशन की दोस्तों बात करते हैं तो आप वीडियो में साफ साफ देख सकते हो अभी इनकी गेनिंग चल रही है, बट फिर भी इनका जो बॉडी पे कंडीशनिंग है वो अच्छी लग रही है, फेट अभी भी कमी लग रहा है, बट इनकी जो साइज है वो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है दोस्तों। मुझे लगता है ये सरप्राइज ज़रूर करेंगे अगले साल, क्योंकि इनका प्लस पॉइंट जो होता है वो होता है इनकी कंडीशनिंग। दोस्तों जब स्टेज पे जाते हैं तो अचानक अलग ही लेवल की फिजिक लेके जाते हैं। दोस्तों आपको इनकी फिजिक कैसे लगी आप हमें कमेंट्स करके बता सकते हैं। नेक्स्ट अपडेट आ रहा है हमारे अमित पंघाल की तरफ से। दोस्तों अमित पंघाल जब लाइव आए थे तो किसी ने उनको कुछ गलत कमेंट्स कर दिया, उसी बात को गुस्सा लेकर उन्होंने बहुत सारी बातें उनको सुनाई हैं, तो वीडियो पूरा देखना, बहुत ही ज़्यादा मजा आने वाला है। चिकन लेग्स हैं आपके। हाँ कोई बात नहीं भाई, सारी कमियाँ मेरे में, सबसे बुरा आदमी हूँ मैं, लेकिन फिर भी आपको आपकी मम्मी कसम अमित पंघाल को देखना है ना, सारी बुराइयाँ मेरे में फिर भी ज़रूरी है देखना। क्यों, मैं तो कहता हूँ सबसे बुरा इंसान हूँ मैं। हाँ भाई चट्टी, क्यों मैं तो कहता हूँ भाई सीधी, लेकिन अब लोगों के पेट में दर्द भी है, अमित पंघाल को भी देखना है। क्यों भाई, जो प्यार नहीं करते मत देखा करो, दिखाओ मत कर भाई, सोशल मीडिया का दूर है जब असली मत। रोहित कुमार भाई जहाँ तेरा मन करता वहाँ मिल लियो, ठीक है, असली नकली सारा पता लग जाएगा, ठीक है ना, और जहाँ तेरा मन करता हो कौन सी जगह तेरे को सही लगती है, और कष्ट भी मत करियो, बता दियो हम ही आ जाएंगे, और बता, ठीक है ना। लेकिन कोई बात है, प्यार मोहब्बत से अच्छा कुछ है नहीं, ये फेक आईडी से लिखना विखना में कोई बात नहीं है, ठीक है, हम कितने मर्द हैं और कितने नहीं ना, वो तो चल छोड़, जो अंदर बैठे हैं बड़े बड़े वो बताएंगे, बच्चों को क्या पता। क्यों, और जो कुछ करा करो भाई रियल आईडी से करा करो, मैं तो देख खोपड़ा भी सामने आता मेरा तो। क्यों, और मैं तो खुली कहता हूँ हर जगह, कोई इंटरव्यू कोई वीडियो भाई, जिस भाई के पेट में दर्द हो रोड पे मिल जाया करो, एड्रेस दे दिया करो, वहाँ मिल जाया करेंगे, ठीक है ना। ना मैं गलत बोलता और ना अपने से गलत बर्दाश्त होती, स्टोर राइट्स लेता है तू। हाँ भाई दबा के बिल्कुल सही पकड़े हैं। क्यों मूड ख़राब कर रहे हो हेटर, अरे नहीं मूड ख़राब नहीं कर रहा, कई बार ज़रूरी होता है बताना। क्यों, वो ज़्यादा कई बार शांत होते तो ये कुछ कुत्ता बिल्ली ज़्यादा बोल जाते हैं जिनकी औकात नहीं होती। नेक्स्ट अपडेट में हम बात करने वाले हमारे इंडिया के सीनियर बॉडी बिल्डर रामनिवास मलिक के बारे में। दोस्तों रामनिवास मलिक की ये करंट फिजिक हमने कल आपके साथ शेयर की थी, अब उनकी तरफ से एक बहुत ही अच्छा अपडेट आ रहा है। आज इन्होंने रेलवे की तरफ से एक कंपटीशन हुआ था ट्रायल, उसमें उन्होंने पार्टिसिपेट किया था और वहाँ पर भी जीत चुके हैं, इनकी कंडीशनिंग आप देख सकते हो। तो दोस्तों आपको क्या लगता है, रामनिवास मलिक मिस्टर वर्ल्ड क्लासिक में कम्पीट करके वहाँ पे कुछ प्लेसिंग वगैरह ला सकते हैं नहीं ला सकते, आप हमें अपना कमेंट्स करके बता सकते हैं। नेक्स्ट अपडेट आ रहा है हमारे बिग फिट क्लासिक में 18 लाख रुपए जीतने वाले हमारे चेपन दीपक अत्री की तरफ से। दोस्तों दीपक अत्री की तरफ से इनकी फिजिक अपडेट आ रही है, तो अगर इनकी करंट अपडेट की आप बात करो दोस्तों तो आप साफ साफ देख सकते हो ये पोजिंग करते हुए दिख रहे हैं, और इनकी बॉडी कंडीशनिंग अभी भी टॉप नॉच पे लग रही है, ऐसा लग रहा है अभी भी ये कहीं कम्पीट कर सकते हैं। आप इनके ओब्लिक्स देख सकते हो, इनकी बैक देख सकते हो, बाइसेप्स की पीक भी देख सकते हो, सभी चीज़ें अलग ही लेवल की इनकी अभी भी नज़र आ रही है दोस्तों। तो आपको क्या लगता है ये कहीं कम्पीट कर सकते हैं या नहीं कर सकते, आप हमें कमेंट्स करके बता सकते हैं। दोस्तों अगला अपडेट आ रहा हमारे अभिषेक यादव की तरफ से, इनकी तरफ से लेटेस्ट फिजिक आई है, आप इनके अपर बॉडी की फिजिक देख सकते हो, अभी इन गेनिंग चल रही है तो फेट भी आपको दिखाई दे रहा होगा, बाकी मसल मास भी गेन कर रहे हैं। दोस्तों ये आपको क्या लगता है 2023 में जो सेल्फ क्लासिक होगा वहाँ जीत के प्रोकार्ड जीत सकते हैं नहीं, आप हमें कमेंट्स करके बता सकते हैं। अगला अपडेट आ रहा हमारे संग्राम सर की तरफ से, जैसे कि आपको पता हो कि संग्राम क्लासिक स्टार्ट होने वाली है 2023 में 7 से 9 जून के बीच, उसी को लेके लाइव आए थे और उन्होंने बहुत सारी बातें की, देख लीजिए बार ये सब चीजें। संग्राम क्लासिक आपने पहली बार देखा रहेगा, तो मेरा जो कॉम्पिटिशन था उसमें जो भी विनर थे 5 कैटेगरी के, उन हर विनर को 1 साल के लिए स्पॉन्सरशिप दी थी मैंने मेरे ब्रांड की तरफ से, ठीक है। मैंने क्यों सोचा था कि अगर मुझे भी ये चीजें फर्स्ट टाइम से मिलती थी ना तो मैं कुछ और कर सकता था, तो स्पॉन्सरशिप मैंने क्या था कि सप्लीमेंट का स्टैक,
मतलब समझो कि 10,000 रुपए के आपको सप्लीमेंट्स मिल रहे हैं, यानी आपके एटलीस्ट 10,000 रुपए आपको पर मंथ स्टार्ट हो गए, तो इन द फॉर्म ऑफ समथिंग लाइक सप्लीमेंट्स आपको वो खरीद के लेना था, हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। तो सबको क्या लगता है कि कंपनी का दे रहा है, इसमें बेनिफिट दूसरा क्या रहता है कि आपको कंपनी प्रमोट करेगी। बिल्कुल बिल्कुल। अभी कंपनी किसको प्रमोट करती है, अभी कंपनी किसके पास जाती है, चैंपियंस के पास, राइट है ना, कि अगर ये चैंपियन है तो हम लोग इसको इसको हम लोग अपना एम्बेसडर बनाएंगे ताकि अपना प्रोग्रेस हो जाए, अपना ब्रांड बड़ा हो जाए और उसका भी उसको पैसा मिल जाए। लेकिन मैं क्या कर रहा हूँ कि मैं जैसे मैंने पहले 5 लोगों को स्पॉन्सर किया था, विनर्स को, चैंपियंस को, तो अगर मतलब आप बिलीव कर सकते हो कि नहीं मुझे मालूम नहीं है, अगर एक कंपटीशन में 500 बंदे कॉम्पीट कर रहे हैं, उस कंपटीशन में 50 लोगों को अगर स्पॉन्सरशिप मिल जाए 1 साल के लिए, तो मतलब भाई कितने लोग बिलीव करेंगे, तो बहुत एक्सपेंसिव होगा ना, बहुत ज्यादा बजट है ना। तो दिस टाइम संग्राम क्लासिक में मेन चीज हो रही है, एक तो इंटरनेशनल एक्सपो के साथ ही कंपटीशन हो रहा है और मेरे कंपटीशन में 50 लोगों को मैं स्पॉन्सर कर रहा हूं 1 साल के लिए फ्रॉम मेरे ब्रांड से, और उनका स्टेक रहेगा अराउंड 10,000 रुपीज वर्थ। ओके, तो 50 लोग संग्राम क्लासिक का बजट है अराउंड 1 crore, ठीक है। तो ये 1 crore अभी लास्ट टाइम में कॉम्पिटिशन हो गया था बिग फिट क्लासिक, हम दोनों भी थे उधर, तो बिग फिट क्लासिक में क्या हो गया था कि 1 crore का प्राइस था लेकिन बहुत कम लोगों को मिला था जो जीते थे उनको। सो बीइंग एथलीट मुझे क्या लगता है कि देखो अगर एक या दो ही बंदों को मिलेगा जैसे हमें मिल रहा था, तो उनको ही फिर से मिलेगा, वही फिर से प्रिपेयर करेंगे, वही बढ़ते जाएंगे। बट अगर मैं एक चीज 50 लोगों में डिवाइड करूंगा, तो 50 लोगों को 1 साल के लिए हेल्प कर रहा हूँ उनके सप्लीमेंट से।